दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि बाबा को पता चल जाता है कि मिश्रा जी कहाँ है, जिसके बाद दोनों आश्रम से निकलते हैं। उधर पुलिस गुफा के पास आ जाती है, पर चकी की दोस्त टिफनी सभी को मार देती है। कुछ देर बाद गुप्ता जी और बाबा वहाँ आते हैं और टिफनी से मुकाबला करते हैं। बाबा टिफनी को कैद कर देते हैं और गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ मिश्रा जी चुपचाप बाहर जाने लगता है और चकी वहीं बेहोश पड़ा होता है। बाबा को शक होने पर वह सब पता लगा लेते हैं, जिसके बाद गुफा से बाहर आते ही बाबा देखते हैं कि मिश्रा जी और टिफनी भाग गया है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। बाबा, आखिर मिश्रा जी ऐसा क्यों किया? उसे तो मैं और आप बचाने आए थे, पर उसने तो मुझे धक्का मारकर टिफनी को लेकर भाग गया। बाबा जैसे ही गुप्ता जी को बताने वाले होते हैं, पर तभी गुप्ता जी देखते हैं कि गुफा से चक्की बाहर आ रहा है। बाबा, चकी गुफा से बाहर आया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, पक्का इसी ने मिश्रा जी के साथ कुछ किया है। बाबा गुप्ता जी को कुछ बताते, तब तक में वह चकी के पास आ जाता है और हमला कर देता है। गुप्ता जी! मिश्रा जी, ये तो मिश्रा जी की आवाज है। गुप्ता जी, ये तुमने क्या किया? तुमने मिश्रा जी पर हमला कर दिया। क्या? पर मैंने तो चकी पर हमला किया। गुप्ता जी, ये चकी नहीं, मिश्रा जी है। चकी अपने मंत्र की मदद से आत्मा ट्रांसफर कर लिया है। क्या? हाँ गुप्ता जी, मैं मिश्रा जी हूँ। चकी ने अपना आत्मा मुझसे ट्रांसफर कर लिया है। ओ सीट, बाबा ये तो बहुत गलत हुआ, पर चकी ने ऐसा क्यों किया? गुप्ता जी, चकी को इंसानी शरीर की आवश्यकता थी, इसलिए वह मिश्रा जी का शरीर पर कब्जा कर लिया। पर क्या बाबा? गुप्ता जी, यदि मिश्रा जी वापस से अपने शरीर में नहीं गया तो वह हमेशा के लिए चकी बन जाएगा। ओ नो, ऐसा नहीं होना चाहिए बाबा, नहीं तो सभी पुलिस वाले मिश्रा जी को चकी समझकर मार डालेगा। नहीं बाबा, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए, मैं अपना शरीर में वापस आना चाहता हूँ। टिफनी, मैं इंसानी शरीर प्राप्त कर लिया हूँ और अब कुछ और घंटों के लिए मैं मिश्रा जी के शरीर में रह गया, तो फिर मुझे कोई इस इंसानी शरीर से अलग नहीं कर सकता। टिफनी और चकी काफी खुश होते हैं, क्योंकि मिश्रा जी का शरीर उसे मिल गया था। चकी, तुम कुछ देर के लिए कहीं छिप जाओ, क्योंकि गुप्ता जी का बाबा शक्तिशाली है, वो जरूर तुम्हें खोजेगा और वापस से पुराने शरीर में प्रवेश करा देगा। टिफनी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, वो जब तुम्हें हरा सकता है तो जरूर ऐसा भी कर सकता है, इसलिए मैं अपने आप को कहीं अच्छी जगह छुपा लूंगा। टिफनी और चकी आज रात जंगल में ही रुकने का फैसला करता है, जिसके बाद दोनों जैसे ही वहां से निकलने वाला होता है, तभी टिफनी पुलिस वैन को आते हुए देखती है। पुलिस वैन मिश्रा जी के पास आकर रुकती है और उससे इंस्पेक्टर बाहर निकलता है। अरे, तुम तो मिश्रा जी हो ना, चलो जल्दी से घर, तुम्हें कब से हम सब खोज रहे हैं। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये मेरा डॉल है, और आप लोग जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा घर। अरे नहीं, रात का समय है, चलो मैं अपनी वैन से तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। चकी बहुत कोशिश करता है कि वह पुलिस वालों को वहाँ से भेज दे, पर पुलिस उसे लिए बिना जाना नहीं चाहती थी। अच्छा ठीक है, आप गाड़ी के पास जाओ, मैं आता हूँ। टिफनी, ये पुलिस वाला हमें लिए बिना जाएगा नहीं, पर हम दोनों इसके साथ गए तो शायद फंस जाएगी। हाँ चकी, तुम सही बोल रहे हो। मिश्रा जी चलो, हम लेट हो रहे हैं। हाँ आया मैं। टिफनी, मुझे लगता है इन दोनों को सही जगह पहुँचाना होगा, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे। ठीक है चकी, मैं इन दोनों का काम तमाम करती हूँ। टिफनी इनविजिबल हो जाती है और दोनों पुलिस वालों को मार देती है। बहुत अच्छा टिफनी, अब चलो जंगल में जाकर छुपते हैं। चकी और टिफनी जंगल के अंदर जाने लगता है। दोस्तों, आपके अपने चैनल गुप्ता जी हॉरर फिल्म में 17 दिसंबर संडे सुबह 10 बजे न्यू वीडियो आ रही है, जिसका नाम जॉम्बी हॉरर स्टोरी है, तो देखना मत भूलना। उधर बाबा अपने मन की शक्ति से चकी का पीछा कर रहे होते हैं, जो मिश्रा जी के शरीर में था। गुप्ता जी, वह दोनों इधर ही आया था, मुझे महसूस हो रहा है।
बाबा आपका कहना बिल्कुल सही है, वहाँ देखिए पुलिस की लाश पड़ी हुई है। बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी वे सभी लाश के पास आते हैं, जहाँ बाबा को अनुभव हो जाता है कि चकी फिर से जंगल के अंदर भागा है। गुप्ता जी, चकी जंगल में छिपा है, हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो मिश्रा जी हमेशा के लिए चकी बन जाएगा। चकी को पकड़ने के लिए बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी जंगल के अंदर जाने लगते हैं। चकी, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है, इसलिए तुम जाओ, मैं यहीं उसे रोकती हूँ। चकी टिफनी का बात मानकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है और टिफनी इनविजिबल होकर वहीं रुक जाती है। बाबा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बाबा इसे तकलीफ क्यों हो रही है? गुप्ता जी, मिश्रा जी के पास बहुत कम समय है, ये तकलीफ उसी का संकेत है। यदि चकी नहीं मिला तो मिश्रा जी हमेशा के लिए उसके शरीर में फंस जाएगा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुप्ता जी, उसके लिए हमें चकी को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, इसलिए चलो जल्दी से। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा कुछ दूर आगे बढ़ते ही हैं, तभी बाबा को अनुभव हो जाता है कि यहाँ टिफनी है। गुप्ता जी और मिश्रा जी सतर्क रहो, यहाँ टिफनी है। बाबा के बोलने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी सतर्क होते, तभी टिफनी गुप्ता जी पर हमला कर देती है। गुप्ता जी, बाबा मुझे पकड़ोगे या गुप्ता जी की जान बचाओगे, फैसला तुम्हारा है। बाबा गुप्ता जी का जान बचाने का फैसला करते हैं, इसलिए वह अपनी शक्ति से गुप्ता जी का घाव भरने लगते हैं। गुप्ता जी के वापस ठीक होते ही बाबा देखते हैं कि टिफनी वहाँ से भाग चुकी है। गुप्ता जी, टिफनी यहाँ से भाग गई है और वह ऐसा जान बूझ के कर रही है। हाँ बाबा, उसे मालूम है कि यदि वह कुछ समय तक हमें व्यस्त कर ले तो फिर चकी मिश्रा जी का शरीर में हमेशा के लिए कब्जा कर लेगा। हाँ गुप्ता जी, पर हमें ऐसा होने नहीं देना है, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ ठीक वैसा ही तुम करना। चकी, बाबा हमारा पीछा करते करते यहाँ आ रहा है, इसलिए उसे कुछ देर तक उलझा कर रखती हूँ, तब तक तुम यहाँ से दूर भागो। टिफनी के बोलते ही चकी वहाँ से निकलकर भागता है, पर इधर बाबा आ जाते हैं। बहुत हो गया टिफनी, अब तुम्हारा खेल समाप्त होने वाला है। अकेले बाबा को देखकर टिफनी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर वह कैसे बाबा को उलझाए। टिफनी इनविजिबल होकर बाबा पर हमला करने का कोशिश करती है, पर बाबा अपनी शक्ति से हमला कर देते हैं। बाबा के एक ही वार से टिफनी घायल हो जाती है, जिसके बाद बाबा उसे पिंजरे में कैद कर देते हैं। बाबा तुम मुझे तो पकड़ लिए, पर मिश्रा जी को वापस से उसके शरीर में प्रवेश नहीं करा पाओगे, क्योंकि चकी यहाँ से भाग गया है। टिफनी, तुम्हें क्या लगता है, सिर्फ तुम ही चलाक हो? नहीं टिफनी, नहीं, चकी कहीं नहीं भाग पाएगा। उधर चकी भाग रहा था, पर सामने गुप्ता जी और मिश्रा जी आ जाते हैं, जिसके बाद चकी को रुकना पड़ जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं चाकू से तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा ऐसा है, तो पहले मुझे मार के दिखाओ। चकी अभी मिश्रा जी को मार नहीं सकता था, क्योंकि अभी पूरी तरह से दोनों अलग नहीं हुआ था। तुम पीछे हटो, मैं गुप्ता जी को मारना चाहता हूँ। तुम मुझे मारोगे? जरा मार कर तो दिखाओ। चकी गुप्ता जी के पास आता है और चाकू से हमला करता है, पर गुप्ता जी बचते हुए अपने हाथ से उसे खूब मारते हैं। गुप्ता जी के लगातार वार से चकी घायल हो जाता है। चकी, तुम्हारा खेल अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि यहाँ बाबा आ गए हैं। मिश्रा जी, तुम जल्दी से चकी के बगल में आ जाओ। बाबा के बोलते ही मिश्रा जी चकी के बगल में आ जाता है, जिसके बाद बाबा कुछ मंत्र बोलते हैं और वहाँ तूफान आ जाता है। तूफान के शांत होते ही गुप्ता जी और बाबा देखते हैं कि चकी का शरीर गायब है। बाबा ये क्या हुआ, चकी का शरीर गायब है? गुप्ता जी मैं ठीक हो गया, मैं अपने शरीर में वापस से आ गया हूँ। वापस से सब ठीक होते ही चकी वहाँ से भागकर टिफनी के पास आ जाता है। टिफनी, हमें बाबा की तरह शक्ति चाहिए, तब जाकर हम बाबा से मुकाबला कर पाएंगे, पर तब तक हमें यहाँ से भागना होगा। चकी टिफनी को आजाद करके वहाँ से भाग जाता है। तो दोस्तों, चकी का स्टोरी आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।